आसमान से आ जाने दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत है और इस बहती हुई हवा से आ जाने, क्योंकि इस समय जो हवा सदौरा में बह रही है वही हवा खाटू श्याम जी में बह रही है। क्या पता जो ताली यहाँ बजाए वो हवा में बहकर खाटू चली जाए, जो हाथ में उठाए वो वहां नजर आ जाए, तो दोनों हाथ उठाते ताली बजा के गुलाम हो जाए। अब वो जी अब देश की प्रसिद्ध शक्ति पीठों और सिद्ध पीठों को निमंत्रण देने जा रहा हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, गिनती करना मैंने कितने नाम लिए, मैं आपसे पूछूंगा। या देवी जन्म दिया, जिसके कारण ये शरीर पे चमड़ी है, ये कान है, ये नाक है, ये आंखें, जिस मां ने जन्म दिया
दिया है, उस मां के लिए दोनों हाथ उठे, ताली बजाकर जोर से ताली बजे। तू भी नदे की तो मैं शोर मचा दूंगा, यहाँ बैठी है, एक तरफ आपके मनसा देवी बैठी है, आपका तो कोई बाल भी बाधा नहीं कर सकता। एक बार जोर से कह दो जय माता जी, दोनों हाथ उठाई के ताली बजा के। जय माता की, 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 जय माता की। भोले बाबा के भगत आए हैं क्या यहाँ पे? मारे आए भांग किस किस ने पी, शर्माना मत, गुड़ मत बोलना, खड़े हो जाओ। पी थी अब हाथ मिलते चलिए, पी थी किस किस ने भांग पी, दरबार है गुड़ मत बोलना, क्यों पी? आपसे पूछ रहा हूं काली टी शर्ट वाले भाई, हाँ एक बार ताली बजाओ, क्यों पी? प्रसाद है, उसके बगल में धतूरा भी था, वो क्यों नहीं किया? वो भी तो प्रसाद है। सुनो, ये सबसे बड़ा वहम है कि भांग भोले का प्रसाद है, भांग भोलेनाथ का प्रसाद नहीं है, ये तो कुछ गंजेड़ी, कुछ भंगेड़ी, जिनका गुजारा नहीं होता है, पीते खुद है, फिर भोलेनाथ के नाम का फाड़ देते हैं, उनका प्रसाद है। सुनो, इस भाई की गलती नहीं है, इसने सुना ही कि नीलकंठ में चढ़ गया, पी के एक बाल्टी भांग और घोड़ा यूं मट गया, घोड़ा यूं मट गया। अरे घोड़ा जिस दिन मटेगा ना, वो मटकता नहीं है, वो तांडव करता है। भारत छोड़ो, पाकिस्तान भी हिल जाएगा जिस दिन घोड़ा चलेगा। और बात रही भांग की, सुनो, इसमें कोई दो राय नहीं कि भोले पर भांग चढ़ती है, लेकिन पत्ता नहीं चढ़ता। भांग को पीस के उसका लेप भोलेनाथ के गले में लगाया जाता है, क्योंकि जो भांग पी उससे गला गर्म हो गया और बाहर से भांग लगाई गई ताकि गला ठंडा हो जाए। लोगों ने समझा अब ये कपड़ा चढ़ाते हो तो खाते हो क्या इसको? ऐसे ही भांग चढ़ाई जाती है, भांग पी नहीं जाती। ओके, कौन कौन समझ गया? तो आगे से पियोगे? ओके बताओ, एक बार और ताली बजाओ, आगे से पियोगे? हाँ ताली बजाओ तो इनके लिए। और एक ही नाम जपते हैं भोलेनाथ, क्या नाम जपते हैं? राम। क्या जपते हैं? आवाज नहीं आई। क्या जपते हैं? एक ही नाम जपते हैं। और 80 लाख साल की एक बार की समाधि है। कितने साल की? अब बताओ, 80 लाख साल की समाधि में 80 साल के आदमी ने उन्हें भांग पीते देखी है? हो सकता है क्या? तो बता करो, मैं कहता हूं सनातन धर्म में कोई ऐसा देवी देवता नहीं है जो किसी नशे को प्रमोट करता हो, बल्कि सनातन धर्म तो खुद एक नशा है। कोई करने लग जाएगा तो उतरेगा नहीं, और हाथ उठाने का ना। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम का नाम मिला।
जिसने हिंदू होने में जन्म लिया, चार